यूनिट 13 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। SLO 13.1.1 डिस्क्राइब बाय यूजिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू शो द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो ऐसी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। 600 BC में थेल्स ने यह डिस्कवर किया था, जब भी एम्बर रॉड को हम रब करेंगे फर के साथ तो उस पर एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है एम्बर रॉड पे, जिसकी वजह से एम्बर रॉड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि चार्जेस दो किस्म की होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो लॉ था बेसिक, वो ड्यूफे ने इस्टेब्लिश किया था। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हिस्टोरिकल, एंड उसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस होती है वो तीन तरीक़ों से होती है, एक फ्रैक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और फ्रैक्शनल मेथड के थ्रू। इफ़ वी रन अ प्लास्टिक कॉम्ब थ्रू आवर हेयर एंड देन ब्रिंग इट नियर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, द कॉम्ब अट्रैक्ट देम। जब भी कॉम्ब को हम रब करेंगे अपने हेयर्स के साथ तो वो कॉम्ब पे चार्ज आ जाती है और वो कॉम्ब छोटे पीसेस को, पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है। और जब एम्बर रॉड रब करते हैं सिल्क के साथ तो वो एम्बर रॉड पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है और अट्रैक्ट करती है स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। यहाँ पे ऐसे है कि जब एम्बर रॉड को रब करेंगे सिल्क के साथ, सिर्फ एम्बर रॉड पे ही चार्ज नहीं आएगी, सिल्क पे भी चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल मेथड में हमारे पास यही होता है, जब भी दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो दोनों पे चार्ज प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विथ अनदर न्यूट्रल बॉडी। जब दो न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं आपस में तो उन दोनों को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं दूसरी बॉडी में। तो यहाँ पे हम पहले एग्जांपल लेते हैं, प्लास्टिक रॉड इज़ रब्ड विथ फर। ये लेट सपोज प्लास्टिक रॉड है और यहाँ पे हम कोई भी ये देखें, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारे पास कोई भी फर है। ठीक है, ये हमारे पास फर हो गया। तो जब हमारे पास प्लास्टिक रॉड को रब करेंगे इस फर के साथ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस फर के, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्लास्टिक रॉड में। तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो जब भी पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, जब दोनों आपस में रब किए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफ़र हो गए इसमें, और यहाँ पे हमारे पास डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गई। जब कोई भी चीज़ लूज़ करती है इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव आ जाती है और जो गेन करती है तो उस पर नेगेटिव आ जाती है। तो ऐसे हमारे पास रबिंग के थ्रू हम चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही हमने दूसरी रॉड को भी चार्ज किया, जब ये दोनों चार्जेस, अब यहाँ पे प्लास्टिक रॉड को रब किया फर के साथ तो नेगेटिव चार्ज आ गई। अब यहाँ पे फिर से फर को हम करेंगे, रब करेंगे प्लास्टिक रॉड के साथ तो फिर से हमारे पास ये क्या हो गया, प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गई। अब जब ये दोनों प्लास्टिक रॉड हम करीब लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, क्योंकि इन पे जो चार्जेस थी वो सेम टाइप ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो गई, इसी वजह से वो आपस में रिपेल करती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेम चार्जेस, मतलब सेम प्रॉपर्टी आ गई इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, सो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस आर, इसको हम लाइक चार्जेस भी बोल सकते हैं। और जब ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क के साथ, अब यहाँ पे ये देखें, एक सिल्क का हमने क्लॉथ ले लिया या सिल्क था, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिल्क। जब सिल्क को रब करेंगे ग्लास रॉड के साथ तो इस पे सिल्क पे माइनस चार्ज आ जाएगी और ग्लास रॉड पे
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ऐसे ही हमने पहले प्लास्टिक रॉड को जब हमने फर के साथ रब किया था तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गई थी। जब अब ये गिलास रॉड थी पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक रॉड थी नेगेटिव चार्ज, जब दोनों को हमने करीब रखा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। अब इन दोनों पे चार्जेस क्या हैं, मुख्तलिफ चार्जेस हैं। तो हमने क्या देखा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि चार्जेस को फ्रिक्शन के थ्रू कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब दो न्यूट्रल बॉडीज़ आपस में रब करते हैं तो रबिंग के थ्रू दोनों पे ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस आ जाते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। और हमने ये भी देखा कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इन एक्टिविटीज़ में से हमने क्या देखा, इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि चार्ज जो होती है अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स आर रिपेल्स एन अदर ऑब्जेक्ट। तो चार्ज प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटीरियल की, तो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटीरियल्स, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है दो मुख्तलिफ चार्जेस के किस्म और दो अलग ऑब्जेक्ट्स पे। जब दो अलग ऑब्जेक्ट्स हमने लिए थे, दोनों को रब किया था, तो वहाँ पे दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग चार्जेस आ गई थी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। लाइक चार्जेस अलवेज रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। एंड 5, रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। रिपल्शन जो होती है श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी होती है। रिपल्शन हमें बताती है कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है एक नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। और कोई भी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल बॉडी के करीब रखते हैं तो इनमें भी अट्रैक्शन होती है। तो हमें इन दोनों में सेम किस्म की चीज़ें दिखाई देती हैं, दो अलग चार्जेस हैं फिर भी अट्रैक्शन हो रही है, एक चार्ज है और न्यूट्रल बॉडी उसके करीब है तो फिर भी अट्रैक्शन हो रही है। मतलब जब दोनों चार्ज थी तब भी अट्रैक्शन हो रही थी, और जब दोनों चार्ज एक चार्ज्ड है एक न्यूट्रल फिर भी अट्रैक्शन हो रही है। तो ये जो केस है हमारे पास दोनों में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल में भी न्यूट्रल बॉडी में भी अट्रैक्शन हो रही है और अपोजिटली चार्ज्ड में भी। लेट्स सपोज ये हम लेते हैं कि ये प्लस है, तो ये प्लस हमें इसको माइनस को भी अट्रैक्ट कर रही है और ये प्लस न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर रही है। तो हमें अभी नहीं पता चल रहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसके करीब कोई भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो अट्रैक्शन हो रही है, तो फिर हम उसमें से पता नहीं लगा सकते कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल था या अपोजिटली चार्ज था। तो इसी वजह से जब भी रिपल्शन होती है तो रिपल्शन तभी होती है जब सेम किस्म की प्रॉपर्टी हो या चार्ज हो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे, तब भी रिपल्शन होती है। ये रिपल्शन तब नहीं होगी जब न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएंगे, तो रिपल्शन इसी वजह से है श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और टेस्ट ऑन अ चार्ज ऑन अ बॉडी होता है। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रोडक्शन फ्रिक्शनल मेथड के थ्रू और कुछ उसकी ऑब्जर्वेशंस जो हमने कंक्लूजन्स निकाली। और उसके बाद डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास डिटेक्शन प्रोसेस होता है वो हम इलेक्ट्रोस्कोप में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे, जिस इलेक्ट्रोस्कोप में डिस्कस करेंगे। और ये था हमारे पास SLO 18.1.1। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं या टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।